हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी के हमारे चैनल फैंटेसी सुपर इलेवन पर फिर से एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं बेलारूस प्रीमियर लीग का जो मैच होने वाला है फुटबॉल का, बेलसिना और गोरोडे के बीच होने वाला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या रहने वाली है पॉसिबल प्लेइंग इलेवन और पिछले मैच का प्लेयर का परफॉर्म, सारे कुछ इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए क्या क्या रहने वाली है बेस्ट ऑप्शन, और ग्रैंड लीग स्मॉल लीग के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस रहे क्या रहने वाले, सारे कुछ वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे दोस्तों। और हमारे चैनल पे अगर आप नए विजिटर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप देख लेते दोस्तों क्या रहने वाले दोनों टीम की एक्सपेक्टेड लाइनअप और मैच का प्रीव्यू। दोस्तों यह मैच खेला जाएगा 3 अप्रैल को 7:30 पर शाम को खेला जाएगा, और स्पोटेक स्टेडियम बेलारूस पे खेला जाएगा दोस्तों। और एक बात बता दो दोस्तों, ये बेलसिना का होम ग्राउंड है। अब देख लेते दोस्तों मैच का प्रीव्यू, पिछले मैच का प्रीव्यू देख लेते हैं। गोरोडिया का पहला देख लेते दोस्तों। गोरोडिया पिछले 5 मैचों से एक मैच जीता है और 2 मैच हारा है और 2 मैच उसका ड्रॉ हो गया है। और पिछले 10 मैचों से दोस्तों गोरोडिया का पिछले 10 मैचों से 3 मैच जीता है और 4 मैच हार चुका है। अब देख लेते दोस्तों बेलसिना की तरफ से, बेलसिना के 5 मैच पिछले 5 मैचों से पिछले 5 मैचों में कोई भी मैचेस नहीं जीता है, और पिछले 10 मैचों से 4 मैच जीते हैं और एक ही ड्रॉ हो गया है। अब देख ले दोस्तों हेड टू हेड पे दोस्तों गोरोडिया ने एक ही मैच जीता है और एक मैच ड्रॉ हो गया है। अब देख लेते दोस्तों दोनों टीम की क्या रहने वाली है पॉसिबल प्लेइंग इलेवन। पहले देख ले दोस्तों बेलसिना की क्या रहने वाली है पॉसिबल, पहले देख ले दोस्तों बेलसिना की तरफ से क्या रहने वाली पॉसिबल प्लेइंग इलेवन। ये देख सकते हो दोस्तों बेलसिना की तरफ से क्या रहने वाली है, आप पढ़ना चाहते हो दोस्तों पढ़ सकते हो, वीडियो पास करके मैं पढ़ने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। आप देख लेते हैं दोस्तों गोरोडिया की तरफ से क्या रहने वाली है बस प्लेइंग इलेवन, पढ़ना चाहते हो दोस्तों वीडियो पास करके पढ़ सकते हो। आप देख लेते दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम और हेड टू हेड की टीम क्या रहने वाली है डिनमिडविल की। दोस्तों ये मैच बहुत ही रिस्की है, उसको ग्रैंड लीग पर ट्राई करना चाहिए, इसलिए ग्रैंड लीग के 10 टीम बनाया हुआ दोस्तों। और देख सकते हैं दोस्तों पहला टीम देख लेते हैं दोस्तों, पहला टीम दोस्तों ये मैं ये सोच के बनाया कि गरुड़िया ने क्लीन शीट करेगा, इसलिए गरुड़िया की तरफ से 7 टीम 7 मेंबर्स के साथ जा रहा हूँ और बेलसिना की तरफ से 4 प्लेयर के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने कैप्टनसी रखा है आरिकप को रखा है, और वाइस कैप्टनसी डिफेंडर के रखा है। दोस्तों ये रहेगी मेरे हेड टू हेड के सॉरी ग्रैंड लीग के लिए पहला टीम। यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन, कैप्टन के लिए फॉरवर्ड पे और मिडफील्डर के किसी भी को वाइस कैप्टन, के गोलकीपर के किसी भी को वाइस कैप्टन रख के ग्रैंड लीग पे खेल सकते हो। आप देख लेते हो सेकेंड ग्रैंड लीग क्या रहने वाली है, ये देख सकते हो सेकेंड ग्रैंड लीग ये सोच के बनाया है दोस्तों। 1-0 रहने वाली है बेलसिना की तरफ से, बेलसिना ने क्लीन शीट करेगा ये सोच के बनाया है। 7 बेलसिना की तरफ से और 4 गोरोडिया की तरफ से जा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए कैप्टनसी रखा है दोस्तों। एल क्लोवेल को रखा है कैप्टन बेलसिना की तरफ से, और किसी भी एक मिड डिफेंडर को वाइस कैप्टन रख सकते हो, इसको रख सकते हो कि वह गोलकीपर को भी वाइस कैप्टन रख सकते हो। ये रहेगी दोस्तों सेकंड ग्रैंड लीग। दोस्तों अगर दोस्तों हमारा 10 ग्रैंड लीग की टीम पाना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हो। नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे जाके फैंटेसी सुपर इलेवन सर्च करके वहाँ से जाके जुड़ सकते हो। दोस्तों इसी तरह मैंने 10 ग्रैंड लीग की टीम बनाया है, अभी सब एक एक करके प्रीव्यू करूंगा तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए नहीं वीडियो को लंबा ना करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे हमारा सारे टीम का प्रोवाइड कर दूंगा, 11 टीम ग्रैंड लीग के लिए प्रोवाइड कर दूंगा।